हमें देना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि आज ओडीओपी से जुड़े हुए और किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए भी तमाम लाभार्थी इस ऋण मेला में यहां पर उपस्थित हुए हैं। एमएसएमई की जान है एक जनपद एक उत्पाद की योजना। गोरखपुर में हमने टेराकोटा के लिए गोरखपुर का चयन किया है और मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर का टेराकोटा इस बार जब हम लोगों ने दीपावली का आयोजन किया था तो गोरखपुर के टेराकोटा के इस क्षेत्र में कार्य करने वाले जो गांव हैं, जो उद्यमी हैं, जो हस्तशिल्पी हैं, इन्होंने इस क्षेत्र में काम करके अपनी कला के माध्यम से, अपने हस्तशिल्प के माध्यम से दीपावली के अवसर पर अच्छा मुनाफा भी कमाने का कार्य किया था। और ऐसे ही हर जनपद के लिए हम लोगों ने इस राशि का बेहतर उपयोग किया था। आज यहां पर मुझे प्रसन्नता है कि आजमगढ़, बलिया, बस्ती, देवरिया, अयोध्या, गोरखपुर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, मऊ, सिद्धार्थनगर और कुशीनगर से 5,895 लाभार्थी आज इस बृहद ऋण मेला के माध्यम से यहां पर उपस्थित होकर के लगभग 325 करोड़ रुपए के ऋण को प्राप्त करके केंद्र और प्रदेश सरकार के वित्तीय समावेशन के अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। और मैं आज के इस अवसर पर आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार की प्राथमिकता, आज मैं जब किसी युवा से मिलता हूं तो अधिकतर युवा इस बात को कहते हैं कि हम अपना स्टार्टअप स्थापित करना चाहते हैं। कोविड-19 के दौरान मैंने इस बात को महसूस किया कि जो लोग यहां पर प्रवासी कामगार बनकर के आए थे, जिनकी एक पीढ़ी दो पीढ़ी पहले उत्तर प्रदेश इन्होंने छोड़ दिया था, वे लोग जब उस क्षेत्र में उनके सामने जीवन का संकट खड़ा हुआ तो वापस उन्होंने अपने गांव के लिए, अपने घर के लिए जब प्रस्थान किया तो प्रदेश के अंदर उन्हें रोजगार के साथ जोड़ने में हमारे परंपरागत उद्यम ने और प्रदेश के अंदर स्थापित जो एमएसएमई क्लस्टर हैं, इन्होंने उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने में एक बड़ी निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया। और मैं आज जब यहां पर उत्तर प्रदेश अध्यक्ष, बड़ौदा यूपी बैंक के अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश के हमारे बैंकों के नोडल अधिकारी के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक भी हैं और प्रदेश के हमारे डीआईएफ श्री शिव सिंह यादव जी भी हैं, मैं इन सबसे ये कहना चाहूंगा कि लोन देने के साथ साथ इनकी निश्चित ट्रेनिंग का कार्यक्रम, जिस कार्य के लिए उन्हें लोन उपलब्ध कराया जा रहा है उस फील्ड में उनके अपने अनुभव होंगे, व्यवहारिक ज्ञान भी होगा, उन्हें सैद्धांतिक ज्ञान से भी अवगत कराना पड़ेगा और साथ साथ मार्केट के साथ जोड़ करके अगर हम उन्हें एक व्यवस्थित ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ जोड़ेंगे तो छोटी पूंजी कभी डूबती नहीं है। यह पूंजी उस व्यक्ति के न केवल आर्थिक उन्नयन और स्वावलंबन का आधार बनती है बल्कि अर्थव्यवस्था को एक नई उत्थान करने में भी इसकी बड़ी भूमिका होती है। उत्तर प्रदेश ने विगत 4 वर्ष के दौरान अगर उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में तेजी के साथ आगे बढ़ा है तो इसके पीछे प्रदेश के परंपरागत उद्यम। तो गोरखपुर की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित कर रहे हैं। बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की तरफ, लखनऊ से खबर है जहां पर